दोस्तों आज की कहानी है, बहू मेरे बेटे से काम मत करवाया कर। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पूरे 7 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही हेमंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप भाई भाभी बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अरविशन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है, वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती का है। अरविशन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लव मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पैसा नहीं पा रही होगी, कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अरविशन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात की शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वह भी तब जब मैं 7 साल बाद वापिस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अरविशन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अरविशन की तरफ देखने लगी। अरविशन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। अरविशन से नजरें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान जलक पड़ी। अरविशन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अरविशन शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अरविशन यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अरविशन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अरविशन को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना नाश्ता बनाना यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे सिवा शोभा के। अरविशन चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन,
सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अरविशन और शोभा अच्छे से मिल पाए। अरविशन शोभा के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। अरविशन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो अरविशन उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को सुब कराया और फिर से सुला दिया। अरविशन बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के सही नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अरविशन सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वह तो कुछ और ही है। अरविशन अब सब समझ गया था, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। अरविशन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अरविशन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा वो शोभा नहीं रही थी जिसे अरविशन शादी करके लाया था। वह तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल सुबह गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अरविशन शोभा को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। अरविशन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अरविशन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना सही है। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वह अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हरम की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अरविशन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने अरविशन को समझाया था, अरविशन भी उनकी बातों में आ गया। अरविशन शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा खुश नहीं। घर वालों ने अरविशन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अरविशन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे दो बेटी और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अरविशन कमाता था उतना सबके लिए काफी न था। काफी सोच विचार करने के बाद अरविशन ने ये फैसला किया कि वह शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अरविशन को इजाजत दे दी। अरविशन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती और अरविशन घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों
कि अरविशन के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता। अरविशन जब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मसरूफ रहता, कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अरविशन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अरविशन के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अरविशन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अरविशन को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांट कर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा। प्रस्ताव के आंसू अरविशन की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए